एवरीवन, कल है जन्माष्टमी। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ऑलमोस्ट लगभग सबकी तैयारियां पूरी हो गई होंगी, जैसे कि मेरी अभी भी कुछ चल रही हैं, कुछ पूरी हो गई हैं। तो मैं बैकग्राउंड बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए, जहां मैं उनकी स्थापना करूंगी। तो मैंने ये एक मेरे पास कपड़ा रखा था, तो वो लगा दिया है, कील की मदद से खिड़की पर लगाया है। यहाँ पे हमारे खिड़की है, तो उस पे ऊपर मैंने कपड़ा लगा के ये हैंगिंग लगा दिया है, जो पिछले साल दिवाली पे मैंने खुद बनाई थी। और कुछ ये मेरे पास गुलाब के फूल की एक माला है, इससे थोड़ी सी डेकोरेशन कर देंगे। आपके पास अगर अलग अलग कलर की चुन्नियाँ हैं तो आप उनसे भी इस तरह बना सकते हैं। मुझे यहाँ चुन्नियों को मतलब टांगने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, और इसके बाद मैं अपनी जो हमारी सेंटर टेबल है यहीं पर, ये छोटे वाली, इसी को क्लीन करके इसी के ऊपर उनका सेटअप तैयार करूँगी बैठने के लिए। और ऐसे मोरपंख लगा दिए। किसी भी चीज़ से आप सजा सकते हैं, रियल फ्लावर से सजा सकते हैं, नहीं तो पौधे भी लगा सकते हैं। अभी मैं रियल पौधे तो लेके नहीं आई हूँ, ऊपर से ला सकती हूँ। और ये सारी मटकी मैंने खुद बनाई है, इन सब की रील मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी मैं 4-5 दिन से एक एक करके बना रही थी, ये मेरी 5 मटकी बन के तैयार हुई हैं। ये थाल भी मैंने अभी सजाया लड्डू गोपाल की पूजा के लिए ही। और जब त्यौहार आते हैं ना, इतना मन करता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसे सजा दो, बहुत मन करता है। ऐसा लगता है कि समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है करने के लिए। उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है ना कि प्रभु के नाम पर आप क्या क्या कर लें। तो आपको कैसा लगा ये दरबार, आप ज़रूर बताना कमेंट करके। मुझसे जैसा हो पाया वैसे मैंने तैयार कर लिया, बस प्रभु की कमी है यहाँ बैठने की। कल जब प्रभु यहाँ पे विराजेंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने उनकी एक ड्रेस रख दी है, झूला खाली अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने उनकी एक ड्रेस यहाँ पर रख दी है इस तरह कि कल मेरे प्रभु यहाँ पर विराजेंगे तो कैसे लगेंगे। बहुत सुंदर, वो बहुत सुंदर हैं। तो आप भी ऐसे तैयार कर सकते हैं। ऐसे साइड में मैंने छोटी सी एक ग्रीनरी सी बनाई है। और अब बनाते हैं मिठाई जन्माष्टमी के लिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे घिया की लोज। तो घिया कस लिया है, और ज़्यादा अब की बार मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि पायल के पापा भी नहीं आए हुए हैं, तो फिर खाने वाले कम हैं, बच्चे मीठा कम खाते हैं। तो मैंने 2 छोटे छोटे से घिया लिए थे, जिनका पानी सुखा लिया है अच्छे से। पानी सुखाने के बाद हम इसमें चीनी मिलाते हैं, क्योंकि साथ के साथ अगर चीनी डाल देते हैं तो ज़्यादा पानी छोड़ देता है घिया, और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने ये ऐसा हो गया, कोई 600 ग्राम के आसपास घिया थे, छोटे छोटे से 2 घिया थे, उसमें 1.5 कटोरी चीनी डाली है। और देखो बिल्कुल सूख गया है पानी, जल्दी बन गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी है तो जल्दी बन जाती है। और जब पानी बिल्कुल सूख जाता है उसके बाद हम इसमें मिलाते हैं मावा। और मावा मैंने रात निकाला था, एक खुद ही निकाला है, मार्केट का नहीं यूज करते हम। तो अच्छे से मावा मिलाने के बाद अब हम इनको जमा देंगे प्लेट में, ठंडा होने के बाद फिर इनकी कटिंग करेंगे। तो अभी हम जमा देते हैं। थाली में हल्का सा घी लगा रखा है मैंने, घी से ग्रीस कर रखी है थाली। और मावा भी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारी मिठाई जम गई है, देख लीजिए। और इस तरह अब हम बनाते हैं दूसरी मिठाई। मैंने 3 तरह की मिठाई बनने आई है, तो अब ये दूसरी तरह की है। अब हम बनाएंगे पंजीरी, जो सूखे मेवे होते हैं ना, इनके पंजीरी बनते हैं। इसे आप कितने दिन तक रख कर खा सकते हैं। तो सारे जो ड्राई फ्रूट हैं हमारे, इनको हम हल्का हल्का रोस्ट करेंगे और अलग अलग करेंगे, क्योंकि ना सबकी मोटाई पतलाई एक तरह से कह सकते हैं आप अलग अलग होती है। कोई चीज़ जल जाती है और कोई भुनती नहीं है। तो इसलिए पहले काजू भून लिए, फिर बादाम, अब मैं भून रही मखाने। मखाना हल्का फोड़ के देख लेंगे, अगर फूट रहे हैं तो अच्छे भुन गए हैं, तो ये भी निकाल लेंगे। अब मैं जो मैंने नारियल घिसा था, मतलब गोला जिसे बोलते हैं, वो भी हल्का सा रोस्ट कर लिया है, क्योंकि मैं कुछ भी इसमें बिना रोस्ट करे नहीं डालूंगी। थोड़ी सी किशमिश भी मैं रोस्ट कर लूँगी। और अब मैं रोस्ट कर रही हूँ मगज के बीज, खरबूजे के बीज जिन्हें बोलते हैं। और इसको आप छन्नी लगा के रोस्ट करें, क्योंकि ये चटकते हैं घी में डर जाने के बाद। तो ये भी मैंने रोस्ट करके निकाल लिया। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें लेंगे 1 कटोरी चीनी और 1/2 कटोरी पानी, और सिम गैस पर रख देंगे इसको गलने के लिए। चीनी घुलना बहुत ज़रूरी है, चाशनी हमें बहुत तार की नहीं बनानी है। और तब तक मैंने सारे जो मेरे ड्राई फ्रूट थे ना, हल्के हल्के से पीस लिए हैं धीरे धीरे। 1 तार की चाशनी बनानी है हमें, तो 1 तार बन रहा है। अब हम सारे अपने जो ड्राई फ्रूट हमने घी में फ्राई करके रखे थे, गोला, किशमिश और मगज के बीज मैंने नहीं पीसे हैं,
बाकी बादाम काजू और मखाने मैंने पीस लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटे मोटे भी अच्छे नहीं लगते हैं फिर तो। गोला और किशमिश नहीं पीसे हैं और ना ही मगज के बीज पीसे हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस हम कर देंगे बंद। गैस जब हम ये ड्राई फ्रूट इसमें डालते हैं तभी बंद कर देते हैं, नहीं तो ये ऊपर ही जम जाता है फिर कढ़ाई में। तो अभी इसको हल्का सा मिलाने के बाद ठंडा करके, थाली ग्रीस है ये, ड्राई फ्रूट वाली थाली है, इसमें घी लगा हुआ है नीचे, तो इसी में मैंने इसको फैला देना है। और ठंडा होने के बाद इसे भी हम कट कर लेंगे। चाहे तो आप हाथ से तोड़ सकते हैं, नहीं तो चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। ये टूट के भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। लीजिए, आपका मेवा पाक बन के तैयार है। बहुत लोग इसी से भोग लगाते हैं भगवान जी को। आप कितनी तरह की मिठाई का भोग लगाते हैं ज़रूर बताना। लीजिए जी, तैयार है मेवा पाक बन के। और मैं लगभग 7 तरह की मिठाई बनाऊंगी, अभी मेरी 3 ही बन के तैयार हुई है। कुछ मैं कल बनाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब हम अपनी तीसरे नंबर की मिठाई बना लेते हैं। उसके लिए हमने चढ़ा दिया है घी थोड़ा सा, उसमें डाल दिया गोले का बरूद्दा। ये मैं ले रही हूँ 1.5 कटोरी गोले का बरूद्दा। तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। लगभग 1.5 कटोरी मैंने लिया है ये, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद जब हल्का सा खुशबू आने लगे तब हम इसमें डाल लेंगे 2 गिलास दूध। और 1 गिलास मैंने डालते हुए सूट कर लिया, 1 गिलास जब डाला, जब मैं नहीं सूट कर पाई, उसके बाद हम इसमें 1 मीडियम कटोरी चीनी की डाल लेंगे। मैंने बूरा डाला है, आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। और अब हम डाल रहे हैं इसमें 1 कटोरी, 100 ग्राम के आसपास है, मिल्क पाउडर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हम इसमें मावा तो डालते नहीं हैं, तो इससे बहुत अच्छा। और इसे हल्की आंच पे धीरे धीरे भूनते रहेंगे, तब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ता। और अब हम लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाने के बाद इन्हें बरूदे में अच्छे से कोट करके, तो लीजिए जी, हमारे नारियल के लड्डू भी बन के तैयार हैं। लड्डू गोपाल की शॉपिंग है, क्या क्या लाई हूँ। रेसिपी मैंने खुद बनाई है, इनका बेस ला के और डेकोरेशन खुद किया है सामान ला के, क्योंकि मैं अपने हाथ से बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक मैंने ये बनाई है, इसका ब्लाउज ये है, एक ब्लू कलर में बनाई है, इसका ब्लाउज ये है, और एक पिंक कलर में बनाई है। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हाफ ये और हाफ ये, देख सकते हैं आप कैसी लग रही है। तो 3 जोड़ी में लड्डू गोपाल की हो गई है। ये 1 जोड़ी में रेडीमेड लेके आई हूँ युगल जोड़ी के लिए, और ये 2 ड्रेसेस में लेके आई हूँ रेनू को देने के लिए, रेनू को दूंगी। इसके छोटे छोटे लड्डू गोपाल, उसके पास 2 जोड़ी हैं, तो ये है। और ये इनपुट है लड्डू गोपाल जी का, पगड़ी, और ये फैनोट कर दो, और ये राधा रानी का युगल जोड़ी के हैं, मतलब ये राधा रानी का मुकुट है, ये पगड़ी है भगवान जी की, थोड़ी बड़ी है ना, फैनोट कर दो पायल। क्यों कैम, एक ये पगड़ी है पिंक वाली ड्रेस के लिए, एक ये पगड़ी है ब्लू वाली ड्रेस के लिए, और भगवान जी की चूड़ी बड़ी सुंदर मिली है, मैं आपको दिखाती हूँ, ओपन कर दूँ। देखो ये है, जरकन में है, ये युगल जोड़ी के लिए मैं लेके आई हूँ, ग्रीन कलर के हैं, जरकन में इसके साथ जाएंगी, युगल जोड़ी के बड़े हैं ना तो वो थोड़ी बड़ी पहनेंगे, और लड्डू गोपाल थोड़े छोटे हैं तो उनके लिए जरकन में ही है, ये थोड़ी छोटे वाली है, बहुत सुंदर है ये भी, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। लाई हूँ मैं इत्र, और ये कुछ मालाएं लाई हूँ, और मेरे पास बहुत सारी मालाएं हैं जो मैं कभी भी जाती हूँ मार्केट तो लेके आ जाती हूँ, तो वो भी रखी हैं, तो वो वाली मैं उनसे मैं श्रृंगार कर लूंगी। और मैंने कैसा दरबार सजाया है, मतलब जो बैकग्राउंड सजाते हैं लड्डू गोपाल के लिए, वो आपने वीडियो में देख ही लिया है। हैप्पी जन्माष्टमी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।